बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम आज एक बहुत बड़ी गलतफहमी के गाय का दूध हड्डियाँ मज़बूत करने के लिए बहुत ज़रूरी है सदियों से चली आ रही है इस गलतफहमी को इस मिथ को डॉक्टर प्रोफेसर जेसन फंक ने तोड़ा है और इतने रिफ्रेंस है और अगली दो वीडियो भी इसी के बारे में आएंगी लिहाजा इसको आप सली से सुने और आइंदा के लिए बड़ी एहतियात करें लेकिन एक चीज़ फिर सोच लें कि जो हमारी देसी गाय है ए टू मिल्क है जो कि चरती है सारा दिन धूप में घास खाती है और कोई इंजेक्शन नहीं लगाते ना एंटीबायोटिक ना ऑक्सीटोसिन उस दूध पे यह अप्लाई नहीं होगा ये इंग्लिश गाय जो दूध खा रही है जो एंटीबायोटिक दे रहे हैं जो हार्मोन लगा रहे हैं ये उसके बारे में है और पिछले पचास साल से ये रिसर्च हो रही थी और अब इसके रिज़ल्ट आ गए हैं तो आप ये आज सारे रेफरेंस के साथ मैं आपको बताऊँगा रिकमेंडेशन जो उन्होंने की थी कि एक हज़ार मिलीग्राम से बारह सौ मिलीग्राम कैल्शियम डेली चाहिए औरतों को बारह सौ चाहिए बूढ़ों को बारह सौ चाहिए बच्चों को बारह सौ चाहिए बड़ों को हज़ार चाहिए वो सबसे हैरानी की बात यह है कि पाँच हज़ार छः सौ छिहत्तर स्पीशीज़ हैं दूध देने वाले जानवरों की उनमें कोई जानवर भी दूसरे जानवर का दूध नहीं पीता और सिर्फ इंसान एक वाद है जो कि दो साल के बाद भी दूसरे जानवर को वाद है ये साइंसिविक रिज़ल्ट है और सिर्फ हड्डियों की बीमारी भी इंसान को ही होती है किसी दूसरे जानवर में यह रिपोर्ट नहीं हुई मसलन जापान में 400 मिलीग्राम डेली कैल्शियम लेते हैं और ढाई गुना हड्डियों की बीमारी अमेरिका से कम है अफ्रीका में औरतें जो हैं 10 बच्चे एवरेज पैदा करती हैं वो साढ़े तीन मिलीग्राम कैल्शियम डेली लेती हैं लेकिन यह कैल्शियम गोलियों से दूध से नहीं सब्जियों से और फ्रूट से लिया जाता है फिर यूनान ग्रीस में ज़्यादा दूध पीते हैं और सबसे ज़्यादा हड्डियों की बीमारी भी वहीं है हांगकांग बहुत दूध पीते हैं और तीन गुना हड्डियों की बीमारी वहाँ ज़्यादा है चाइना में एवरेज आठ किलो दूध एक साल में लोग पीते हैं और अमेरिका में दो सौ चुरवंजा के दूध पीते हैं चाइना में हिप फ्रैक्चर छः गुना छः गुना का मतलब है छः सौ परसेंट कम है अमेरिका से इसी तरह जनूबी अफ्रीका में जो गोरे हैं अंग्रेज़ वो एक हज़ार मिलीग्राम कैल्शियम डेली लेते हैं और जो ब्लैक हैं लोकल वहाँ के वो वन नाइनटी सिक्स और वो ये लेते हैं सब्ज़ियों और फ्रूट से और जो अंग्रेज़ हैं वो लेते हैं दूध से और हड्डियों के टूटने की रेशो नौ सौ परसेंट गोरों में ज़्यादा है कॉलों में नहीं है एक सौ छियानवे मिलीग्राम लेने के बावजूद इसी तरह अमरीका में कैल्शियम इनटेक जो है वो बहुत ज़्यादा है और हड्डियाँ टूटने की ओस्टोप्रोसिस की शरह भी बहुत ज़्यादा है इसी तरह स्कीमू दो सौ मिलीग्राम कैल्शियम डेली लेते हैं और हड्डियों की बीमारी उनमें सबसे ज़्यादा है पाँच सौ से नीचे दो सौ डेढ़ सौ मिलीग्राम जो लोग कैल्शियम ले रहे हैं उनमें हड्डियाँ टूटने की रेशो सबसे कम है और जो पंद्रह सौ मिलीग्राम डेली ले रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा है ये सारी स्टडियों का निचोड़ है तो जो लोग रोज़ाना कैल्शियम लेते हैं उनमें हड्डियों का हड्डियों टूटने का हड्डियों की कमज़ोरी का रेट बहुत ज़्यादा है ये चाइना स्टडी एक बहुत बड़ी स्टडी हुई थी नाइन्टीज़ में दो हज़ार चार में छपी थी ये टेम कोलन 1990 के बाद ये वेजिटेरियन हो गए हैं होल प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं और ये चाइना के पैंसठ काउंटीज़ कौ, में स्टडी हुई थी हांगकांग भी लोग सब इसमें इन्वॉल्व थे ये उसके रिज़ल्ट शेयर कर रहे हैं कि सतासी परसेंट गाय के, के दूध में जो कैजीन है वो कैंसर की बड़ी वजह है यही कंक्लूजन है इसमें कि हड्डियों के टूटने की शराह जो लोग गाय का दूध पीते हैं उसमें बहुत ज़्यादा है उस जो प्रोसेस भूरपन हड्डियों का वो भी बहुत ज़्यादा है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ओवेरियन कैंसर प्रोस्टेट कैंसर और आंत का कैंसर इसका रेट भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि दूध में जैसे मैंने बताया था कि इंसुलिन ग्रोथ लाइक फैक्टर वन हार्मोन और बहुत ज़्यादा देते हैं ये डॉक्टर बर्नार्ड हैं ये भी ये कह रहे हैं ये भी बहुत बड़े वेगन हैं कि कोई दूध ऐसा नहीं है गाय का जो हारमून के बगैर हो तो कंक्लूजन एंड पे मैं आपको बता दूँ कि गाय दूध नहीं पीती वो पांड से पौधे घास खाती है उसके दूध में कैल्शियम आता है गाय ने कभी दूध नहीं पिया किसी दूसरे का तो बोन स्ट्रांग करने के लिए सबसे मजबूत चीज़ एक्सरसाइज है ये याद रखना ये मैं आगे डिटेल में बताऊंगा और कैल्शियम का बेहतरीन सोर्स जो कि एब्जार्ब होता है उनके साथ हजारों फैटो न्यूट्रेंट और भी होते हैं वो हैं वेजिटेबल फ्रूट्स नट्स ये बेस्ट सोर् इन शह मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा कि कौन से बेस्ट सोर्स हैं दूध के अलावा और इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट यही है कि अभी बच्चों को आप दूध देना बंद कर दें सिर्फ देसी गाय जो चरती हो जिसको घा देते हो आपने घर में रखी हो आप इंजेक्शन ना लगाते हो उसका ठीक है ये सारे रेफरेंस हैं ये आप देख लें कोलन कैंसर के ये जर्नल्स के सारे मैंने बता दिए हैं ये अब हुजरत पूरी हो चुकी है अभी किसी बहस की गुंजाइश तो नहीं है फिर भी आप सुनना चाहें मैं इसी लेक्चर का लिंक नीचे दे दूंगा आप उनके वेबसाइट पे चले जाएं ये सारे लेक्चर हजारों पेपर छप चुके हैं और कंक्लूजन सब का यही है कि बेस्ट बोन की ताकत के लिए एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी बहुत रीज़न है ये सारे जर्नल का मैं रिफरेंस दे रहा हूँ आप सली से देख लेना जिसने कुछ सली करनी चाहे कर ले और उसके बाद मैं अगले लेक्चर में बताऊँगा कि जो टेबट्स आप ले रहे हो उसके क्या नुकसान है और फिर उसके अगले में डाइट बेस्ट कैल्शियम रिच सोर्स मुफ्त सस्ते तरीन सोर्स वो इन मैं आपको उससे अगले लेक्चर में बताऊँ अच्छा जी अल्लाह